विधायक बनूं या ना बनूं, जिंदा हूं तब तक आपकी सेवा करता रहूंगा। पूर्व विधायक मेघवाल। तालियाना के राजकीय विद्यालय में रंगारंग वार्षिक उत्सव का समारोह आयोजित। भामाशाह सम्मान व विद्यालय वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तालियाना में समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला परिषद सदस्य रामाराम चौधरी मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के नाते स्थानीय सरपंच हस्तिमल परिहार, ग्राम सेवा सहकारी समिति तालियाना के अध्यक्ष बाबू सिंह तालियाना, मरुधरा ग्रामीण बैंक मेघलवा के शाखा प्रबंधक अमित मारू, पूर्व PEO आनंद सिंह राठौड़, SMC अध्यक्ष मंगीलाल प्रजापत, हरि सिंह आकवा, पूर्व उप सरपंच छगनलाल मेघवाल, कार्यवाहक PEO सुंदरलाल विश्नोई, भामाशाह राजेंद्र सिंह चंपावत, जितेंद्र सिंह चंपावत, भानु प्रकाश प्रजापत, सुखदेव सिंह राजपुरोहित दहिवा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम आगंतुक अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ हुआ। तत्पश्चात विद्यालय परिवार द्वारा मेहमानों का साफा माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के बालक बालिकाओं द्वारा देशभक्ति गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां देकर वातावरण को देशभक्ति के भाव में भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों के हाथों विद्यालय में शिक्षा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले होनहार बालक बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान चिन्ह देकर बहुमान किया। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व विधायक मेघवाल ने कहा कि गांवों में बालिकाओं की शिक्षा की कमी है, ऐसे में बालिकाओं को अधिकाधिक पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिरों में जहां कहीं जरूरत हो उनको याद करें, वो हमेशा शिक्षा के कार्य में प्रयत्नशील रहेंगे। उन्होंने उपस्थित भामाशाहों एवं अभिभावकों से कहा कि जब तक जिंदा हूँ तब तक आमजन की सेवा करने के लिए उपस्थित रहूँगा। भले ही एक बार फिर विधायक बनूँ या न बनूँ, लेकिन आपकी सेवाओं में कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। उन्होंने विद्यालय में भवन के कमरों से हो रही परेशानी को लेकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि 10 कमरों का रुका हुआ बजट प्रयास कर शीघ्र दिलवाएंगे ताकि विद्यार्थियों को बैठने की समुचित व्यवस्था हो सके। उन्होंने विदाई लेने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। पढ़ाई में लगन रखें और इस कंपटीशन की तैयारी करें और आप उनसे मेरा आग्रह है कि वो थोड़ा टेलीफोन से दूर रहे ताकि आपके भविष्य में आगे बढ़ने का साहस रहेगा। अब रात सवा स्कूल के कमियों का, आपके इस स्कूल के लिए सरकार द्वारा 10 कमरे सैंक्शन हो गए हैं, शायद बजट नहीं पोसा है और कोरोना के कारण आपका बजट हो गया। अब कोरोना नहीं है, मैं पूरी कोशिश करके बहुत ही जल्दी आपके उन 10 कमरों के लिए धन यहाँ पहुँचाने की कोशिश करूँगा और भले से कोशिश ही नहीं पहुँचाऊँगा, ये आपसे वादा करता हूँ। दूसरा आपके